जब अपने साथियों को कोई परेशान करता है तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। अगर आपकी दोस्ती हो किसी से, आपके दोस्त को पुलिस घसीटते हुए ले जाए, क्या आप तमाशा देखते खड़े रहेंगे? आप भी बहुत बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ जो मक्का वालों ने किया, बहुत दर्दनाक कैफियत है। खाली हम जो है वाकयात सिर्फ बयान करते हैं, अगर रियल में महसूस करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुजूर के सामने हज़रत अम्मार बिन यासिर को और उनकी माँ हज़रत सैयदा सुमैया को जब नेज़ा मार करके शर्मगाह पर शहीद कर दिया गया, खातून को, इस्लाम की पहली खातून है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार चंद थे, उनको इस तरह मारा जा रहा था। हज़रत बिलाल हबशी के पैर में रस्सी बांध करके ओबाश लड़के पूरे मक्का की गलियों में खींचते थे, उनकी पीठ छिल गई थी। और मैंने आज भी महसूस किया है, हाजी जो हमारे साथ जाते हैं, दो मिनट सिर्फ गिन करके, दो मिनट में कहता हूँ, आज पक्की सड़कें बनी हुई हैं, अपनी बस से बगैर चप्पल के सिर्फ वहाँ उतर करके दिखाएँ दोपहर के वक्त। 48 डिग्री 50 डिग्री की आज गर्मी होती है वहाँ पर, आप दो मिनट खड़े हो जाएं, मैं बता दूंगा आपको, आपके पैर पूरे आबले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। हमारे खुद पैरों में जितना जितना थोड़ा बहुत होगा, एक मिनट भी छल्ली होंगे, पैरों के अंदर पूरे छाले पड़ते हैं। इस कदर तपती है आज भी ज़मीन, जबकि आज सड़कें बन गई हैं, उस वक्त वहाँ रेत होती थी। और रेत आज भी इस हालत में है कि आप गोश्त को फॉइल पेपर में डाल करके अगर वहाँ की रेत में रख दें तो थोड़ी देर में पक करके बाहर निकल जाएगा। आज की बात कर रहा हूँ, इतनी गर्म रेत होती है कि आपका गोश्त बन जाएगा, पक जाएगा। उस रेत में बिलाल हबशी को नंगी पीठ सुलाया जाता था, नंगी पीठ सुलाया जाता था, जिसकी वजह से उनकी पीठ का गोश्त गल चुका था। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होता था, सब हुजूर महसूस फरमाते थे अपने असहाब के। यही तो कुछ सहाबा आकर के ये पूछ भी लिए, क्या या रसूलल्लाह हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। फिर कहा, आपके असहाब को इतनी तकलीफ़ें दी जाती हैं, मदद क्यों नहीं आती अल्लाह की? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मज़लूम सहाबा से ये कहा था, अम्बिया को जो तकलीफ़ें पहुँची वो तो अभी तुम्हें हुई नहीं, नबियों को तो आरियों से चीर दिया गया था। जिसका जितना ईमान होता है मौला उसको उतनी आजमाइश से गुजारता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से फरमाते कि सब्र करो, वक्त तुम्हारा आएगा, इस दौर से गुजरोगे, अमन आएगा, अल्लाह की रहमत आएगी। और मक्का के वो दिन हुजूर डट कर कैसे खड़े रहे होंगे? कभी मैं सीरत पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ, इन असहाब के ऊपर पहाड़ तोड़े जा रहे थे, हुजूर उस वक्त भी साबित कदम थे। और प्लस ये कि हुजूर को सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा में किसी ने सपोर्टिंग की थी तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, माल से, मोहब्बत से, ताउन से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीक हयात ही नहीं थी, बल्कि मुकम्मल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त खड़ी रहती थी। लेकिन वक्त ऐसा आया कि मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे ख़ानदान का बायकॉट कर दिया, सोशल बायकॉट। कैसा सोशल बायकॉट? वो जगह आज हम देख कर के आए, पहाड़ियों के बीच में एक घाटी है जिसको शैब अबी तालिब कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान को उस घाटी के अंदर महसूर कर दिया गया कि आप लोग इसके बाहर नहीं आए, और खाना पानी सारी चीज़ें बंद, कोई बाहर वाला इधर अंदर ना आए, अंदर वाले बाहर ना जाएँ, सलाम कलाम बातचीत पूरे मक्का के ख़ानदानों से इनकी बंद करके रख दी गई। और ये दो दिन चार दिन की नहीं, 3 साल तक के लिए था। उस घाटी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल गुजारे, जबकि पत्ते खाए और चमड़े उबाल करके खाए। ये वो दिन थे। और फिर भी इस्लाम की इस अजीम शाखों को कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरझाने नहीं दिया, साबित कदम खड़े रहे। क्या बैक ले लिया कि आपसे दावत नहीं दूंगा, आपसे मैं गोशा नशीन हो जाऊंगा? डटे रहे, खड़े रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरे अजीजों, इससे बेहतरीन आइडियल ला करके दिखाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। डटे रहना, जमे रहना, मुसीबतों के बाद एक दिन तो सूरत तुलू होना है।
और उन दिनों में मैं आपको बताऊं, उन दिनों में माँ खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अगर कोई सबसे ज़्यादा हिमायत करते थे मक्का में तो आपके चचा अबू तालिब थे, उनका भी इंतकाल उसी साल हुआ। जब अपने घर के दो अजीज लोग इंतकाल कर जाएं हिमायती, वो गम अलग है। हज़रत खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का गम तो मेरे आका को बहुत था, अपनी शरीक हयात, अपनी हमराज, अपनी लाइफ पार्टनर छोड़ कर के चली जाए, बहुत दुख था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्लस मक्का वालों का ये जुल्म महसूर करके रखा है, बायकॉट है, और फिर सहाबा की तकलीफ अलग है, किस किस को फेस करे। हर चीज़ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलाए कलिमतुल हक को बुलंद रखा। फिर वो वक्त आया जब हिजरत का दौर हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ जो हिजरत फरमाए, क्या लेकर के गए थे मक्का से? घर छोड़ना मामूली बात नहीं है, हिजरत करना आप अंदाज़ा करके देख लीजिए, अपना आबाई वतन कोई छोड़ना पड़े ना, आपको अंदाज़ा होगा कि हिजरत कितना सख्त मामला होता है। अपना बचपन का माहौल, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बहुत सारे लोगों को छोड़कर किसी दूसरे वतन जाना हो, बड़ी आजमाइश का वक्त होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिजरत के मौके पर भी साबित कदम मदीना तैयबा पहुँचे।